हेलो दोस्तों, मैं हूं देवांश। एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, एंड यहां पे जब भी आप ट्रेड करते हैं, एक बहुत बड़ी समस्या है कि टारगेट फाइंड आउट करने की। स्टॉप लॉस तो ठीक है, आपको मिल जाता है कि हमने लेट सपोज 200 पे एक ट्रेड लिया और फिर 180 के नीचे जो है हम 20 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड ले लेंगे, बट टारगेट कैसे फाइंड आउट करें, टारगेट कितना बड़ा टारगेट मिलेगा। कभी कभी हम पता चला 20 पॉइंट में एग्जिट कर जाते हैं, मार्केट 100 पॉइंट तक रैली करती है। कभी कभी पता चलता है हम 100 पॉइंट का प्लान कर रहे हैं, मार्केट ने 80 पॉइंट्स दिया, उसके बाद वापस आ गए मार्केट। तो टारगेट कैसे निकालें, टारगेट निकालने में बहुत दिक्कतें आती हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं कि कैसे जो है आप कोई भी अगर एक ट्रेड लेते हो तो उसका टारगेट कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, इंडेक्स में टारगेट कैसे निकालते हैं, प्रीमियम में कैसे टारगेट निकालते हैं, पूरी डिटेल आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। सो आज की वीडियो काफ़ी कमाल की होगी, तो बिना टाइम गवाए आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी दोस्तों देखिए, यहाँ पे टारगेट निकालने के दो तरीके हैं, एक तो इंडेक्स में, एक तो प्रीमियम में। आप जब भी ट्रेड करोगे आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप इंडेक्स के टारगेट के साथ जा रहे हो या प्रीमियम के टारगेट के साथ में जा रहे हो। मैं पर्सनली जो है वो प्रीमियम के टारगेट के साथ में जाता हूँ। जब भी मैं देखो, ये पर्सनल मेरी स्ट्रेटेजी है, ये मेरे को पसंद है, मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले प्रीमियम का टारगेट देखता हूँ, उसके बाद मार्केट का टारगेट देखता हूँ। ठीक है, समझाता हूँ कैसे, अभी डिटेल में आपको समझाऊंगा। तो पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि किसके टारगेट के साथ में जाना है। पर्सनली अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो आपको प्रीमियम के टारगेट के साथ में जाना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता है। ठीक, अभी तो आपको समझ में आ गया है कि क्या कैसे टारगेट जो है किसका किसका होता है, एक प्रीमियम का टारगेट होता है, एक इंडेक्स का टारगेट होता है। अभी बताता हूँ टारगेट फाइंड आउट कैसे करते हैं। ठीक है, तो लेट्स सपोज हम एक यहाँ पे प्रीमियम ऐड करते हैं, ये है जो है 42,200 का पुट ऑप्शन, 42,200 का पुट ऑप्शन। ये चार्ट आपको देखोगे, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आपको चार्ट देखना है। अब यहाँ पे क्या करना है, सिंपली किसी भी जगह पे आप एंट्री लेट सपोज ले रहे हो, यहाँ पे आप एंट्री ले रहे थे, इस जगह पे आप जो है इस एरिया पे पर्टिकुलर एरिया पे आप एंट्री ले रहे थे, तो आप टारगेट कैसे फाइंड आउट करोगे, आपका टारगेट क्या होगा। तो देखो, पिछली बार जहाँ से मार्केट घूमी रहती है, ठीक है, पिछली बार जहाँ से मार्केट घूमी रहती है वही आपका टारगेट होता है। यहाँ पे सबसे पहला टारगेट क्या था, यहाँ पे मार्केट बढ़ी और फिर इस जगह से मार्केट घूम गई थी, तो सबसे पहला टारगेट आपका वही जगह होगा, यही जगह जो है आपका सबसे पहला यहाँ पे टारगेट होगा। ये जगह कौन सी है, ये जो ऑलमोस्ट एरिया है वो है 285 का। ठीक है, 285 यहाँ पे पहला टारगेट था, नो डाउट मार्केट वन फ्लो में उसके ऊपर चली गई, लेकिन अगर मार्केट धीरे धीरे आती तो मार्केट का पहला टारगेट यही था। इसके बाद तो दूसरा टारगेट क्या होगा, इसके ऊपर का लेवल। ठीक है, इसके ऊपर मार्केट कहाँ से घूमी थी, लगभग इस लेवल से घूमी थी, ठीक है, 319 का। क्लियरली आपके सामने देखो, हमने बैठे बैठे दो टारगेट्स निकाल दिए। ठीक, मार्केट बढ़ के जहाँ से घूमे वही मार्केट का अगला टारगेट है। ठीक है, सिंपल सीधी बात, पहला रेजिस्टेंस ये था, दूसरा रेजिस्टेंस एक ये भी क्रिएट हो सकता था, उसके ऊपर ये रेजिस्टेंस था। ठीक है, तो इस तरीके से आप टारगेट निकालते हो। थोड़ा सा और हम पीछे आ जाते हैं, पीछे अगर हम देखेंगे तो सिंपली देखो, मार्केट अगर मान लो ऊपर से गिर के आ रही है, ठीक है, मार्केट इस जगह से गिर के आ रही है, देखो यहाँ पे हमने अभी का टारगेट निकाला, पहले का भी यही प्राइस एक्शन बना हुआ है, मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस ली, पुराना सपोर्ट ये था, मार्केट देखो यहाँ पे आके काइंड ऑफ थोड़ा सा स्टॉप हुई थी, थोड़ा सा हल्का सा नीचे आना पड़ेगा ये जोन लगभग। ठीक है, इसी तरीके से आप बहुत इजीली टारगेट फाइंड आउट कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, स्टॉक मार्केट में तो देखो बहुत रिस्क रहता है, पैसे बने ना बने, ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्वमेंट रहती है, बट अगर आपको सेफ रिटर्न चाहिए तो आप यहाँ पे पॉलिसी बाजार का कैपिटल गारंटीड प्लान चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे जो है ये आपको बहुत सेफ एंड सिक्योर रिटर्न्स प्रोवाइड करते हैं विद कैपिटल गारंटीड प्लान। यहाँ पे इनकी वेबसाइट पे बहुत सारे आपको प्लान्स मिल जाएंगे, टाटा AIA का, आदित्य बिरला कैपिटल, एलियांज का, मतलब यहाँ पे पूरा डिटेल आपको दिया गया है, लमसम पेआउट कितना मिलेगा, रिटर्न्स एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना होगा, ये भी आपको डिटेल में यहाँ पे मिल जाएगा। कैपिटल गारंटीड प्लान में सबसे बड़ी बात क्या होती है, जो आपका लमसम अमाउंट रहता है उस पर आपको 100% की सिक्योरिटी मिलती है। इवन यहाँ पर कुछ ऐसे भी ब्रांड्स हैं जो 200% तक का आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, तो मतलब जो आपने लमसम अमाउंट पे किया उस पर आपको कोई भी रिस्क नहीं रहने वाला है। ये जो है प्लान सेफ इसलिए होता है बिकॉज आपका कुछ अमाउंट लगभग इंश्योरेंस में जाता है, इंश्योरेंस में इन्वेस्ट होता है, और कुछ जो है इन्वेस्टमेंट होता है, तो पूरा जो है पोर्टफोलियो स्प्लिट रहता है, पूरा डिवाइडेड रहता है, इसलिए आपको यहाँ पे कैपिटल गारंटीड जो है आपके कैपिटल पे गारंटी मिलती है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे जो आपका जो प्रीमियम पे जो भी आपको रिटर्न्स मिलने वाले हैं, जो भी आप डिपॉजिट किया और जो आपको एक फाइनल अमाउंट मिलेगा, वहाँ पे आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा अंडर सेक्शन 10D। ठीक है, यहाँ पे जो भी आप FD वगैरह करते हो तो वहाँ पे आपको टैक्स जो है फाइनल अमाउंट पे आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता, बट यहाँ पे आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा। यहाँ पे जो है आपको लाइफ टाइम कवर भी मिलने वाला है, जो आप मंथली प्रीमियम पे करते हैं उसका 120 टाइम। ठीक है, अगर आपको अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है तो पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पे आइए, 2100 रुपीज़ मिनिमम
मन से जो है आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी कैपिटल की गारंटी रहती है, वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। एफडी और जो भी अदर चीज़ें होती हैं उससे बेटर रिटर्न्स हैं सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ में, तो इसलिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है पॉलिसी बाजार का, जरूर इनका आप एक बार चेकआउट करिएगा, कैपिटल गारंटेड प्लान। अब अगर बात करें नीचे की, ठीक है, लेट्स सपोज मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट हुई, यहाँ पे आपने एक ट्रेड लिया, ठीक है, यहाँ पे जब ये लो टूटा तो आपने ट्रेड लिया, तो अगला टारगेट क्या होगा? तो पुराना लो आप ढूंढिए, पुराना लो लगभग इस एरिया के आसपास था, ठीक है, ये सारे एरिया जो हैं वो पुराने लो थे, तो आपका ये एक टारगेट बन जाएगा। अब मार्केट ऊपर गई, फिर एक बार दोबारा नीचे आ रही है, तो प्रीवियस लो जो है आपका टारगेट बन जाएगा। इस तरीके से प्रीमियम में टारगेट निकालते हैं। एक बार हम आ जाते हैं कॉल साइड में, जैसे पुट साइड का तो आपको मैंने दिखा दिया, एक बार सी साइड में आ जाते हैं, ठीक है, एक बार सी का प्रीमियम ऐड कर लेते हैं। तो सी का प्रीमियम कुछ इस तरीके से है। अब मार्केट लेट सपोज यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हुई, इस जगह से मार्केट बढ़ना स्टार्ट हुई यहाँ से लगभग 317 के लेवल से, तो आपका टारगेट क्या निकलेगा? पहला टारगेट लगभग एक ये वाला जोन रहेगा, ये देखो प्रीवियस जहाँ से मार्केट गिरी, उसके बाद अगला टारगेट आपका मेन टारगेट ये रहेगा। मैं अगर आपके जगह पे रहूंगा ना तो मैं आपको यही टारगेट फाइंड आउट करूंगा, ठीक है, ये वाला जो जोन है, एक बार मैं बड़ा कर देता हूँ, ये वाला जोन मेरे लिए पहला टारगेट हो जाएगा, ठीक, इसके ऊपर अगर हम जाएंगे तो लगभग ये वाला जोन, ठीक है, ये मार्केट के लिए ये जोन जो है मेरे लिए दूसरा टारगेट हो जाएगा, ठीक है, मार्केट थोड़ा सा पहले घूम गई है बट ये टारगेट हो जाएगा। मार्केट अगर गिरते हुए आ रही है, लेट्स सपोज यहाँ पे आपने एक पुट साइड की एंट्री बनाई है, इस जगह पे जो है आपने एक पुट साइड की एंट्री बनाई है, तो आपके लिए टारगेट्स क्या हो जाएंगे? सबसे पहले प्रीवियस सपोर्ट, ये वाला प्रीवियस सपोर्ट था, ये आपके लिए टारगेट हो जाएगा पुराना, ठीक है। तो इस तरीके से आपको टारगेट्स निकालने रहते हैं प्रीमियम में, देखो बहुत स्मूथ रहता है। जहाँ से भी आप एंट्री बनाओ देखो कि मार्केट कहाँ से घूमी थी पिछली बार, वो आपका पहला टारगेट हो जाएगा। और मैं पर्सनली ऑप्शन बाइंग में ऐसे ही प्रीमियम में टारगेट्स निकालता हूँ, यही सिंपल सी बेसिक सी स्ट्रेटेजी है। ट्रेल कैसे करते हैं? सिंपली क्या करना है, जब भी आप जहाँ पे भी एंट्री लेते हो, लेट्स सपोज आप इस कैंडल पे एंट्री लिए थे, ठीक है, यहाँ पे आपने एंट्री बनाई, ठीक, इस कैंडल पे पर्टिकुलर इस जगह पे आपकी एंट्री बनी, आपका स्टॉप लॉस, पहला स्टॉप लॉस क्या होगा? इस कैंडल का लो, इस कैंडल का लो कितना था? 313 रुपये। फिर अगली कैंडल बन गई, इसके बाद आपका ट्रेलिंग एसएल क्या होगा? प्रीवियस कैंडल का लो। फिर उसके बाद अगली कैंडल का प्रीवियस कैंडल का लो, मतलब ऐसे कर करके आप देखो पूरा का पूरा आप यहाँ तक पहुँचे हो। आप स्टॉप लॉस हिट कब होगा, मैं आपको बता देता हूँ स्टॉप लॉस आपका हिट कब होगा। स्टॉप लॉस हिट तब होगा जब प्रीवियस कैंडल के नीचे एक कोई कैंडल क्लोज करेगी। यहाँ पे कोई कैंडल क्लोजिंग आई है, एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई भी सिंगल कैंडल क्लोज नहीं की है, मतलब देखो विक तो बॉडी तो नीचे आ रही, कैंडल क्लोज करनी चाहिए, यहाँ पे भी कोई कैंडल क्लोज नहीं की, ये देखो बॉडी इसकी नीचे आई है, इसके नीचे कैंडल जो है आई है बट बॉडी की क्लोजिंग नहीं हुई, तो यहाँ पे भी स्टॉप लॉस नहीं हिट होगा। यहाँ पे भी नहीं हुआ, किसी सिंगल जगह पे आपका स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ और आपने इतना बड़ा टारगेट कैप्चर आउट किया। तो ये एक स्ट्रेटेजी होती है प्रीमियम में टारगेट निकालने की, बेसिक जो मैं तरीका यूज़ करता हूँ। तो अभी जो है हम बात करते हैं कि प्रीमियम में टारगेट कैसे निकालते हैं, वो तो आपको पता चल गया। अब बारी आती है प्रीमियम को देख के इंडेक्स में टारगेट निकालने की, ठीक है। तो लेट्स सपोज इस जगह पे आपने एक ट्रेड लिया था, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक आपने ट्रेड लिया था, तो मार्केट के लिए अगला रेजिस्टेंस क्या बनेगा? सीधे सीधे मार्केट के पास अगला रेजिस्टेंस ऊपर का जोन रहेगा। ये जोन हमने कैसे फाइंड आउट किया? चलो इस लाइन को हटा देते हैं हम, हाँ, यहाँ से मार्केट घूम रही होगी अगर, तो सिंपल सीधी बात मार्केट के लिए अगला रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? जहाँ से पिछली बार मार्केट घूमी थी, एक बात याद रखो, जहाँ से पिछली बार मार्केट घूमी है वही मार्केट के लिए रेजिस्टेंस या सपोर्ट है। सिंपल, ये दिमाग अपने दिमाग में ये लॉजिक रख के रखो, ठीक। तो यहाँ से पिछली बार मार्केट घूमी थी, ठीक है, तो ये देखो मार्केट के लिए अगला रेजिस्टेंस बन गया। कितना सिंपली, कितना स्मूथली हम सीधे सीधे सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर ले रहे हैं, ठीक। यहाँ पे एक बार मार्केट नीचे आई थी, फिर यहाँ से जब बढ़ी थी तो फिर यहीं से घूमी, तो अगली बार फिर जब बढ़ेगी तो यहीं से घूमेगी। तो प्रीवियस सपोर्ट जो होते हैं, प्रीवियस जहाँ से मार्केट घूमती है वो रेजिस्टेंस बन जाते हैं, और नीचे से जब मार्केट घूम रही हो तो वो सपोर्ट बन जाता है। इसी तरीके से बहुत सिंपल होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना। मेनली मैं आपको क्या बताता हूँ कि जो है आप प्रीमियम में टारगेट्स निकालो, जब भी देखो ऑप्शन बाइंग क्या है, 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया, उसी के साथ आप ट्रेड ले रहे हो, ठीक है। इंडेक्स में अगर आप ऑप्शन का टारगेट देखोगे ना, तो मैं पर्सनली बताता हूँ कि आपका मिस हो जाएगा। देखो सिंपल सीधी बात, ये मेरी स्ट्रेटेजी है पर्सनली, मैं जानता हूँ और बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं। तो क्या करना है, अगर आप फ्यूचर्स वगैरह ट्रेड कर रहे हो, ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, तो आप जो है आप इंडेक्स को देखो। लेकिन अगर आप ऑप्शन बाइंग पर्सनली कर रहे हो तो इंडेक्स को देखो, उसके लिए बिल्कुल नहीं मना कर रहा हूँ, लेकिन टारगेट प्रीमियम को देख के निकालो। प्रीमियम का जहाँ सपोर्ट है, जहाँ रेजिस्टेंस है, उसको देख के आप टारगेट्स को निकालिए, ये बहुत अच्छा काम करेगा। और उसके साथ साथ आप थोड़ा सा मार्केट को भी इन्वॉल्व करिए, मतलब इंडेक्स के चार्ट को भी इन्वॉल्व करेंगे तो और आपकी स्मूथनेस बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली तरीका होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने का। इतना दिमाग में याद रखिए कि मार्केट अगर बढ़ रही है, लास्ट टाइम जहाँ से घूमेगी वो मार्केट के लिए रेजिस्टेंस हो जाएगा, और नीचे से जहाँ से सपोर्ट क्रिएट करके घूमेगी वो मार्केट के लिए सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसी के हिसाब से आप टारगेट निकाल सकते हो। सो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, कि आप टारगेट्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हो और ट्रेल कैसे कर सकते हो। अगर आज की वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड मैं देवांश आपको मिलता हूँ ऐसे किसी वैल्यूएबल कॉन्टेंट में। तब तक के लिए दिस इज देवांश राय साइनिंग ऑफ।